ये बाइक पे है, टकराएगा मरेगा या क्या होगा इसे कोई फिक्र नहीं, ये मोबाइल पे है, ये वन व्हीलिंग पे है, ये मौत के मुंह में ड्राइविंग सीट पे बैठ के भी ये जिस आले में चिमटा हुआ है ये एहसास भूल गया है कि मेरा वजूद कितना कीमती है। जिस दिन इसका डेला निकला ना, फिर पूरी दुनिया से मांगेगा और उस वक्त को रोएगा, काश मैं तवज्जो दे लेता। जब इसकी टांग टूटती है फिर चीखता है, वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। तेरी जब सोच ही कहीं और थी, फिक्र कहीं और थी, एहसास नहीं था, आज तेरी हड्डियां टूट गई, पसलियां टूट गई, आज तेरे वजूद का अंग अंग कट गया। शिकवे रब से ना कर, आज जो लंगड़ा बना है, आज जो आज तेरे वजूद के साथ सलूक है, ये तेरे अपने रवैये है। आज का नौजवान राब्ते की दुनिया में आके बाप सारा दिन मजदूरी करके आके थक के गिरा है, माँ दिन दिहाड़े मेहनतें करके आज सोई मरी पड़ी है। ये घर के नौजवान का बेटे और बेटी का जो ताल्लुक का रिश्ता है, अगर एहसास होता कि मेरा रब देख रहा है तो कभी ये दिन सुनने को ना आते, ये बातें सुनने को ना मिलती कि जनाब मेरी शादी हुई है, मैंने रातों रात तलाक देनी जरूरी समझी है, मेरी बीवी ठीक नहीं थी। जनाब बीवी ठीक क्यों नहीं थी? क्योंकि इस कौम का लड़का ठीक नहीं था। अगर लड़के की नजर में झुकाव होता, हया होती, गैरत होती, ये 100-100 वैलेंटाइन ना बनाता। आज इसकी सोच में मोहम्मद रसूल सल्लम वाली फिक्र होती। वो नौजवान जो मस्जिद में आया था, महबूब दिल कर रहा है बुराई करने को, और मेरे महबूब ने इजाजत देने के बाद फिर जब कहा तेरा घर भी तो खाली है, कोई इसी तरह का केस आए तो भेजो, तड़प उठा और चीख उठा, लेकिन आज यहां चीख नहीं है। रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन मजलिस, सहाबा गिरामी, सामईन सामियात, दुनिया में इंसान को रहमान के साथ और इंसान को इंसान के साथ और खुद को खुद से जोड़ने वाली अगर कोई सबसे मजबूत तरीन चीज है तो उसका नाम एहसास है। जब एहसास मिट जाता है तो दुनिया का हर रिश्ता जिंदा होने के बावजूद बेकार हो जाता है। अल्लाह ने हर इंसान को वजूद में पांच हिस्से अता फरमाई हैं और एहसास के हरफ भी शायद पांच ही हैं। कोई एक हरफ, कोई एक हिस अगर इनमें से कम हो जाए तो उसकी कदर उसी से पूछिए जिसके पास वो हिस नहीं। कभी किसी नाबीना से मिलिए और उसे कहिए कि मां क्या मांगता है तो कहेगा कि अगर पूरी दुनिया बेच के मुझे एक दफा नजर मिल जाए ना, मैं देख लूं आंख की कदर, बसर की कदर और बसारत की कदर नबीना ही बता सकता है, कोई दूसरा नहीं। मेरे बड़े ही प्यारे मोहतरम, मेरे कुलीग प्रोफेसर उमर याकूब साहब नाबीना थे, लाठियां वाला में रहते थे, घोड़ा में उनके अजीज थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि प्रोफेसर साहब आपकी शादी हुई है, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहने लगे कि मेरी तीन बड़ी ख्वाहिशें हैं और तीनों का ताल्लुक आंख से है। मैं कुराने मजीद को पढ़ता हूं लेकिन देख नहीं सकता, देखना चाहता हूं। मेरे घर में मेरी माँ है, मैं महसूस करता हूं मगर देख नहीं सकता। सारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि उमर तेरी अहलिया बहुत प्यारी है लेकिन मैं देख नहीं सकता। शुक्र करो आंखों वालों के रब ने आंखों से नवाजा। लाहौर के अंदर मेरा टेलर है, उसके पास दो लड़के काम करते हैं, दोनों सुनते भी नहीं, दोनों बोलते भी नहीं।
मैंने भाई शाहबाज से पूछा कि शाहबाज भाई इन बच्चों की कोई ख्वाहिश कभी इशारों के नाहियों में? तो कहते हैं जी एक ही ख्वाहिश होती है इशारे के नए में, यही बता रहे होते हैं। काश जो दुनिया की कोई आवाज है वो सुन सके और जो सुन पाए फिर उसे बोल सके। सुनने वालों बोलने वालों बड़ी नेमतें हैं, अल्लाह की कदर करो। जिससे जुबान का मजा उठ जाए उसका पता कीजिए। कोरोना में ये दिन दुनिया ने देखे थे कि जो भी खाते थे टेस्ट नहीं था, खुशबू खत्म हो गई थी। उस्ताद अब्दुल रहीम कलीम रहमहुल्लाह तआला तारकाबाद में तकवा मस्जिद में होते थे। मदीना मुनव्वरा से जब वापसी हुई तो बीमार थे, मिला। मैंने कहा शेख क्या परेशानी है? कहने लगे बेटा दुनिया की जो भी चीज है मुझे उसकी खुशबू नहीं आ रही। खुशबू कितनी बड़ी नेमत है। नाक सबके हैं लेकिन सबको ये नेमत मिलती नहीं, अगर मिली है तो कदर कीजिए। जुबान पे रब ने टेस्ट रखा है, इस टेस्ट को कभी एहसास के साथ हलाल के साथ जोड़ के देखिए। मेरे रब ने जिसने जुबान में मजा रखा है वो हराम से अगर रोक रहा है, अगर वो हराम के अंदर जो आपको मुझे लज्जत महसूस होती है जुबान से टेस्ट उठा ले तो किसी काम का नहीं है। हजरात हाथों में लमस है, जाओ पता कीजिए जिनको कोहड़ की बीमारी है जाए पता करे। जिन्हें कोई छूने नहीं देता वो अपने बदन को नहीं छू सकते, हाथ नहीं लगा सकते, अपने हाथ को चेहरे पे नहीं फेर सकते। कितनी दफा दिन में अपने चेहरे पे फेरते हो, बच्चों के चेहरे पे फेरते हो। इस हाथ के अंदर जो रब ने तुझे लमस अता किया है तेरा मेरा इम्तिहान है। हजरत मुझे जो उनवान दिया गया मैं उसकी तमहीद में ये बातें जरूर कहना चाहता था। आप और मैं इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने तेरे मेरे धड़ में पांच हिस्से रखी है और इन पांच हिस्सों को रब ने दो ताकतों से जोड़ दिया है। इनकी निगरानी दो ताकतें कर रही हैं। अगर आपने हवासे खमसा की कमांड रहमान को दे दी है और दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत को बसा लिया है तो फिर जहन में रहे कि तुम्हारा मेन कंट्रोल रूम जो दिमाग है उसकी सोच पाकीजा होगी, फिक्र पाकीजा होगी। और जब सोच पाकीजा हो जाए तो डायरेक्टली इंसान की नजर भी पाकीजा, समातें भी पाकीजा, जुबान का टेस्ट और गुफ्तगू पाकीजा, इंसान की खुशबू और सूंघने की हिस भी पाकीजा, हाथ और हाथों का लमस पाकीजा, कदम कदमों की चाल पाकीजा और जिस्म और वजूद और बदन की एक एक अदा पाकीजा हो जाती है। लेकिन अगर यही ड्राइवर बदल दिया जाए, कमांड बदल दी जाए और ये शैतान को दिल में बसा लिया जाए तो फिर मेन कंट्रोल रूम आपके दिमाग पे जो चीज मुसल्लत होगी वो शैतनत होगी। एक एक उज्व रहमान से दूर करेगा, रिश्तों से दूर करेगा, एहसास मिटा के रख देगा। ये बेस और इको खत्म करके सादी आवाज रहने दें। अहबाबे गिरामी मैं जिस नुक्ते पे खुद को और आपको लाना चाहता हूं, बिगड़ जाना बड़ी बात नहीं है लेकिन सदा बिगड़े रहना दुख की बात है। गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े गिर जाते हैं, मगर गिर के गड़े में पड़ा रहना और उठने की कोशिश न करना यह असल नाकामी है। पहाड़ की बुलंदियों पे चले जाना यह कामयाबी नहीं है। मजा यह है कि जिस जगह पे पहुंचे हो उस उरूज को कभी जवाल में तब्दील ना होने दें। माउंट एवरेस्ट पे बड़े बड़े लोग चढ़े मगर वहां टिक नहीं पाए। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं तो मोटे मोटे आपने और मैंने दो काम करने हैं और वो दोनों काम दिल और दिमाग से ताल्लुक रखते हैं। अपने दिल को चेक करें कि इसमें रहता कौन है, बसता कौन है, यहां पे पहरा किसका है, डेरा किसका है। ये कहना तो बड़ा आसान था, बुजुर्ग कह गए कि टादे मस्जिद टादे मंदिर ते टादे जो कुछ चाहिदा हो पर किसे दा दिल ना टामी।
दिलों में रब रहिंदा हो, कहना बड़ा आसान। और ये भी कह लेना कि आईना टूट जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे के ये बिकता नहीं बाजारों में। जिसने दिल बनाया था उस दिल में रखा किसको है ये सवालिया निशान। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, माएं, बेटियां, मेरे बच्चे, ये मेरे हैं तो मैं इस एहसास से बात कर रहा हूं। और ये उनवान पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में अगर इंतजामिया के दिल में एहसास है तो इसीलिए रखा है। मजा तब आएगा कि रात के 11:30 बजे अगर आप ये सुन रहे हैं तो फिर थोड़ा महसूस भी करना, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिस दिल में शैतान आ जाए ना ये हिस्से खत्म करता है। सबसे पहला अटैक हवा से कमसा पे करता है। और शायर ने कहा था कि बड़ा महसूस होता है, बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। उम्र से एक भाई आए, उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा दिली शिकवा किया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे जी सारे जहान ने पूछा है, पता किया है, राबते में रहे, जिस बंदे से मुझे उम्मीद थी ना वही मेरे राबते में नहीं रहा, उसने एक दफा भी मेरा हाल नहीं पूछा। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, आप तो अल्लाह के लिए गए थे। कहने लगे जी बात यह नहीं है, बस फील हुआ है। लोगों सुनिए, जिस रब ने बना के अपनी इबादत के लिए तेरी मेरी बॉडी को, अंजर पंजर को, पूरे आजा और केवा को इस दुनिया में सारी नेमतें देके भेजा, तेरे रब को महसूस नहीं होता? बड़ा महसूस होता है। तब्दीली याद रखिए, दुनिया की कोई शख्सियत नहीं ला सकती जब तक आप खुद नहीं बदलते। एहसास जगाइए, हवा से खमसा को बेदार कीजिए और इसकी कमांड कोई अच्छी जगह पे रखिए। और रहमान से बढ़ के कोई मेहरबान कोई नहीं, मां से बढ़ के दुनिया में कदरदान कोई नहीं, और पूरी कायनात में तेरे रब से बढ़ के कदरदान कोई नहीं। रब का एक नाम है शुकूर, कदरें डाल देने वाला। एक सजदा कर पूरी दुनिया से बेनियाज कर देगा, और सिर्फ फजर की दो सुन्नतें अदा कर सारी दुनिया के अमीरों की अमारत लाके तेरे कदमों में डाल देगा। ये फैसला है उसका। लेकिन आज चारों तरफ जो इस वक्त इस्तेराब है, बुहरान है, आलमी परेशानी है, इंटरनेशनल इस वक्त बड़े बड़े टैंकर जो है वो सर जोड़ के बैठे हैं। थिंक लफज आपने सोचा है, थिंक टैंकर सोच रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या है। आज इंसान अपने आप से बेजार क्यों है, रिश्तों से इनकिता क्यों है, बड़ा बेअदब जो है वो इस वक्त बेअदबी का मुजाहरा छोटू से क्यों देख रहा है, और छोटा बेबाक क्यों हो गया है? जवाब एक ही है, एहसास मिट गया है। मेरे को अगर एहसास है तो जाते हुए कोई गधा रेड़ी चलाने वाले को भी मैं हाल पूछ लूंगा। अगर मुझे एहसास नहीं है कि जाने वाला कौन है तो मेरा उस्ताज गुजर जाए, या बाप गुजर जाए, या मां गुजर जाए, या वक्त का हुक्मरान गुजर जाए। जब एहसास ही नहीं तो फिर पता क्या होगा। अपने एहसास को जिंदा करें। सबसे पहला काम आपका दिमाग है। इस दिमाग के तीनों हिस्से पता कर लीजिएगा मेडिकल साइंस से। आपका फ्रंट, दरमियानी हिस्सा, पिछला हिस्सा, और जो स्पाइनल कार्ड चल रहा है रीढ़ की हड्डी में, रब ने तुझे महफूज करके दिया है। ये तेरा पूरा निजाम इत्तेलाआत और ये मवासलात का सिस्टम, अगर एक झटका लगे ना, सिर्फ एक झटका। मैं और भाई अहमद हसन एक प्रोग्राम में थे, एक नौजवान मिला हमारे, ये मोटरवे से दूसरी तरफ गांव है। वो बेचारा अपना सर ना इधर कर सकता था, ना इधर कर सकता था, ना नीचे कर सकता था, ना ऊपर कर सकता था। हमने पूछा क्या हुआ है, तो कहने लगा मैं सत्याना बंगला का स्टूडेंट, वापस घर आ रहा था, बस की छत पे था, बस उल्टी है, गिरे हैं, पीछे चोट आई है, और उस दिन से मेरा ये सारा सिस्टम फेल है। जिन सिस्टमों को लेकर रब की बगावत कर रहा है, रब के खिलाफ सोच रहा है, याद रखिए, जो बंदा तौहीद को छोड़ के शिरक की सोचे,
रहमान जैसे मेहरबान को छोड़ के शैतान की सोचे, इससे बढ़कर के रब का बागी कौन होगा। और अल्लाह कहते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकका फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। ये जो गर्दन तेरी है ना, मैंने नीचे को झुकाने के लिए, पीछे करने के लिए, दाएं करने के लिए, बाएं करने के लिए रखी है, तुझे इल्म ही नहीं। मेरा बेटा स्कूल से शिकायत आई कि ये सोता बहुत है, सर डेस्क के ऊपर रख लेता है, टीचर कहते रहते हैं उठाता नहीं। मैंने समझाया, मां ने समझाया, बच्चे ने अदबन आगे से कोई बात नहीं की, कहने लगा अच्छा ठीक है। शिकायतें बढ़ गई। खैर वो हमें समझा ना पाया, कहता था मेरा सर बहुत दुखता है, मेरे सर में बड़ी तकलीफ। और हमने कहना शायद बहाना बनाता है, ये उम्र भला सर दुखने की है। रब का करना ऐसा हुआ, उसे चक्कर आया और सीढ़ियों पर गिरा, शदीद चोटें आई, डॉक्टर के पास लेके गए। जब सिटी स्कैन हुआ तो कहने लगा कि इस बच्चे की अल्लाह ने हमारे यहां ये कर्म किया है कि इन हिस्सों में भी हवा होती है, इधर भी हवा रखी है, यहां भी हवा है, इधर भी हवा है, अगर ये हवा ना हो तो हमारी गर्दन हमारे सर का वजन ना उठा सके। कितने निजाम रखे हैं तेरे रब ने, कितने सेंसर रखे हैं कि जो चेहरा फेस करके बताता है। एक पल के लिए डॉक्टर साहब सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे कि ये बच्चा सरवाइव कैसे कर रहा है। शुक्र करें अल्लाह का कि रब ने सर उठा के चलने की तौफीक दी। तेरा रब चाहता है पूरी दुनिया के तागूतों के सामने, नौजवान जवानी में, बुढ़ापे में, तेरा सर डट के रहे, उठ के रहे। कट तो सके मगर झुक ना सके, झुकना है तो सिर्फ मेरे दर पे झुके। ये तेरे रब की ख्वाहिश है। जब तेरी सोच बदल दी गई, गुलामी डाल दी गई, औलाद रब नहीं दे सकता, बेटे रब नहीं दे सकता, ये जो मुश्किलें हैं ये हल रब नहीं कर सकता, तेरे मसाइल ये किसी कब्र पे, किसी जो है वो शजर पे, किसी बुजुर्ग की सरकार दस्तार मिजार के जाए बिना हल नहीं हो सकते। जब तेरी सोच में तेरे रब के खिलाफ ये बगावत आ गई तो फिर आज मस्जिदें वीरान हैं। जाइए किसी भी मुल्क की बड़ी दरबार के कुर्बो जवार में मस्जिद देखिए, मस्जिद वीरान होगी, दरबार के ऊपर दर दर पे से आने वाले लोग सर झुका के मन्नतें मांग रहे होंगे, दुआएं मुनाजात मांग रहे होंगे और अल्लाह के घर वीरान पड़े होंगे। शायद कभी किसी ने जिंदगी में झाड़ू भी नहीं दिया। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी। जब तुझको तमन्ना गैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे। और हजरत आलमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, इंटरनेशनल, इस वक्त सबसे ज्यादा जो शिकायतें आई हैं चार जगहों पे हैं। दिमागी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बिलखसूस ये मोबाइल, जब से हमारे सिराने के नीचे हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी नजर, हमारी समाज, हमारा लबो लहजा, हमारी गुफ्तगू, एक एक तवज्जो और एहसास इसने सारे अपने अंदर जज़्ब कर लिए हैं। दाएं बाएं के रिश्तों का एहसास तक नहीं। ईद उल फितर वाले दिन जिस माँ ने सवियां पकाई हैं, जिस माँ ने मीठा पकाया है, जिस माँ ने मटन बनाया है, जिस माँ ने डिशे बनाई हैं, जिस बाप ने खरीद के लाके दिया है, इस आले ने तेरी मेरी हिस को इस कदर उचक लिया है कि जो करीब है उन्हें कोई मोहब्बत से प्यार से प्लेट में डाल के देने को भी तैयार नहीं, मगर वहीं पे सेल्फियां बना के, वहीं पे फोटो सेशन करके दूर जो है बाहर के मुल्कों में तस्वीरें भेजी जा रही हैं। अपने दूर हो गए, दूर वाले करीब कर दिए गए और नतीजा ये निकला कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसको खून देने वाला आखिर वही था जिसको इसने 5 साल से बुलाया नहीं था। और जो हजारों दोस्त बने हुए थे उनमें से सिवाय आंसू बहाने वाली डिमियों के अलावा को कुछ नहीं लगा सका। सोच बदल, एहसास के जाविये बदल, करीब के रिश्तों को दूर मत कर। तेरा सबसे बड़ा करीबी नहनु अक्रबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, जब शहर रख के करीब, तेरा रब जो है वो तेरे से दूर हो गया तो बाकी तेरे करीब क्या रहेगा।
वल जज़ाउ मिन जिन्स अल अमल, जैसी करनी वैसी भरनी। तू हमसे दूर हुआ, अल्लाह ताला कहते हैं नसुल्लाह, इन्होंने हमें भुलाया, फअनसाहुम अनफुसहुम, हमने इनको ऐसी सजा दी कि अपना आप भुला दिया। ये बाइक पे है, टकराएगा मरेगा या क्या होगा, इसे कोई फिक्र नहीं। ये मोबाइल पे है, ये वन व्हीलिंग पे है, ये मौत के मुंह में ड्राइविंग सीट पे बैठ के भी ये जिस आले में चिमटा हुआ है, ये एहसास भूल गया है कि मेरा वजूद कितना कीमती है। जिस दिन इसका डेला निकला ना, फिर पूरी दुनिया से मांगेगा और उस वक्त को रोएगा, काश मैं तवज्जो दे लेता। जब इसकी टांग टूटती है फिर चीखता है, वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। तेरी जब सोच ही कहीं और थी, फिक्र कहीं और थी, एहसास नहीं था, आज तेरी हड्डियां टूट गई, पसलियां टूट गई, आज तेरे वजूद का अंग अंग कट गया। शिकवे रब से ना कर, आज जो लंगड़ा बना है, आज जो आज तेरे वजूद के साथ सलूक है, ये तेरे अपने रवैये। नौजवानों, अपाहज हो रहे हैं तुम्हारे दिमाग। हर दूसरे बच्चे की शिकायत आ रही है कि इसका दिमाग काम नहीं करता। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें क्यों पेट्रोल पंप पे लिखा होता है तस्वीर बना के मोबाइल बना है? कितना हैवी कंप्यूटर लगा होता है जो नीचे से तेल ले रहा है, सेंस कर रहा है, पंप कर रहा है, कितने लीटर देना है, कब बंद होना है, कितने पॉइंट पे आना है। अगर वो डिस्टर्ब हो सकता है तो तेरा दिमाग 24 घंटे से नहीं हो सकता। अगर पूरी फ्लाइट डिस्टर्ब हो सकती है, फ्लाइट मोड है कि नहीं आपके मोबाइल में? क्यों लगाया है कि जब फ्लाइट में बैठो तो इसको स्विच ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे कर दो। इतना बड़ा हैवी जहाज, उसका पूरा कंप्यूटर सिस्टम, वो बर्बाद हो सकता है और तहस नहस हो सकता है, सवारियों मौत के मुंह में जा सकती है। तो तेरे सिरहाने पड़ा हुआ तुझे पता नहीं। हजरात, यही मोबाइल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर रो पड़े। सबसे ज्यादा नौजवानों के गुर्दों को लेके जा रहा है, जिन बच्चों ने अपने साइड पॉकेट्स में या जिन्होंने अपने पेंट के साथ रखा हुआ है, इसकी वाइब्रेशन और इसके साथ जुड़ी हुई वो लहरें जो इतनी दूर से अल्फाज और हरूफ खींच के कैप्चर करके उनको पूरा कुछ बना के तस्वीरें आपको दे सकता है, वो तेरे वजूद में कुछ नहीं करेगा। ये लहरें तुझे कहां तक, ये फ्रंट पॉकेट में रखे हुए तेरे दिल की धड़कने खराब करने वाला, ये पीप डालने वाला गुर्दू में, और सबसे ज्यादा आंखों पे असर करने वाला वो लाइट जो इतनी दूर टीवी पे कल तुझे मुतासर कर रही थी, आज तेरी आंखों के करीब कितनी तेज लाइट है। और एक फुट के फासले पे पूरी रात तेरा बाजू अगर यहीं पे है तो फिर पता करके तुझे अपना एहसास नहीं रहा, खालिक का एहसास तो फिर अगली बात है। और याद रहे, जिसे अपनी फिक्र नहीं होती, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, तेरे रब को कोई परवाह नहीं। अगर कौम के जवानों को, बुजुर्गों को, अफराद को, अजनास को, पूरी कौम जब तक खुद सोच नहीं बदलती, तेरा रब भी फिर उनके हालात नहीं बदलता। आज कितने बोहरान है, कितनी परेशानियां हैं, कितने मसाइल हैं, आप पता करें। सिर्फ मसला मुआशरे में जवानों का नहीं है, बूढ़े बूढ़े भी इस वक्त तलाकें देने को तैयार बैठे हैं, बूढ़ी औरतें खुला लेने को तैयार बैठी हैं, घर उजड़ रहे हैं, जवान जवान से आज शौहर बीवी से बागी है। पता है क्या वजह है? जाओ पता करो, हमारे पास तो रोज सवाल आते हैं, रोजाना सवाल आते हैं। अल्लाह के लिए इस दर्द को समझो। जितने भाई बहने रखते हो ना, समझो, जितनी बहनों के भाई हैं समझो, जितने नौजवान शादीशुदा हो समझो, जिनकी अभी बीवियां नहीं, मंगनियां हैं, आप भी गौर करो। पता है सवाल क्या आ रहे हैं? छोटे बच्चे ना होते तो शायद मैं खुल के कहता। सबसे ज्यादा सवाल हमें आज ये आ रहा है कि सर मंगनी हुई थी, टूट गई है। वो भाई क्यों टूट गई है? वो जी पता चला है लड़की दो नंबर है। मुझे इस दुनिया में लड़का एक नंबर दिला दो, लड़के जितने भी हैं ना नौजवान, इनको एक नंबर कर दो, मैं सोसाइटी की सारी बच्चियों की एक नंबर होने की गारंटी दे दूंगा। जब भंवरे फूलों को बर्बाद करके
कभी न्यू एयर नाइट के नाम पे, कभी जनवरी में, कभी दिसंबर में, कभी फरवरी में वैलेंटाइन के नाम पे, कभी मार्च में जश्न बहारा के नाम पे, आज का नौजवान राब्ते की दुनिया में आके बाप सारा दिन मजदूरी करके आके थक के गिरा है, मां दिन दिहाड़े मेहनते करके आज सोई मरी पड़ी है। ये घर के नौजवान का बेटे और बेटी का जो ताल्लुक का रिश्ता है, अगर एहसास होता कि मेरा रब देख रहा है तो कभी ये दिन सुनने को ना आते, ये बातें सुनने को ना मिलती कि जनाब मेरी शादी हुई है, मैंने रातों रात तलाक देनी जरूरी समझी है, मेरी बीवी ठीक नहीं थी। जनाब बीवी ठीक क्यों नहीं थी? क्योंकि इस कौम का लड़का ठीक नहीं था। अगर लड़के की नजर में झुकाव होता, हया होती, गैरत होती, ये सौ सौ वैलेंटाइन ना बनाता। आज इसकी सोच में मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली फिक्र होती। वो नौजवान जो मस्जिद में आया था, महबूब दिल कर रहा है बुराई करने को, और मेरे महबूब ने इजाजत देने के बाद फिर जब कहा तेरा घर भी तो खाली है, कोई इसी तरह का केस आए तो भेजो, तड़प उठा और चीख उठा। लेकिन आज यहां चीख नहीं है, क्योंकि भाई को पता है मेरी बहन जो है वो कहीं और है, उसके डोरे कहीं और है, उसे अपनी बहन के दोस्त का भी पता है, फ्रेंड्स का भी पता है, और उसके थ्रू से अपनी यारियां आगे चला रहा है। तो फिर ऐसी सोसाइटी जहां बहन की इज्जत का एहसास मिट जाए, जहां बाप को बेटी की इज्जत का एहसास खत्म हो जाए, जहां ससुर को बहू की इज्जत का एहसास ना रहे, और जहां दामाद को अपनी सास का, बेटे को मां का, और लोगों जितने मुकद्दस और मारम रिश्ते थे, इस मोबाइल ने, यूरोप ने, शैतानी ताकतों ने वो एहसास तो आपसे छीन लिया है, पीछे क्या रह गया? गैरत नाम की चीज तैमूर के घर में आखिरी चीज थी, वो भी निकल गई। मुसलमान के पास तो थी ही इज्जत, सेफ्टी। जब सेफ्टी नहीं रही, आज सुनने को मिल रहा है हर दूसरा लड़का मुतालबा करता है, प्रोफेसर साहब मेरे अब्बू को समझाओ, मैं जहां करना चाहता हूं वो वहां नहीं मान रहे, वो वहां नहीं मान रहे, जहां करवाना चाहते हैं वहां मैं नहीं मान रहा। हर बेटी का एक ही सवाल है, किस किस को समझाऊं, कहां कहां जाऊं? जब एहसास ही मर जाए। मेरा एक बेटा है, उसे इंजेक्शन का कोई एहसास नहीं होता, इंजेक्शन लग रहा है तो वह हंस रहा होता है। तो मैंने पूछा आपको क्यों नहीं, आप बाकी तो रोते हैं, कहते बाबा मुझे दर्द ही नहीं होती तो मैं रोऊं कैसे? रोएगा तो वो ना जिसे दर्द हो। हमने अपने दर्द का एहसास मिटा दिया। कल मां का एक आंसू पूरे बच्चों को हिला के रख देता था। काबा के रब की कसम, आज भी यहां बैठा हूं, मुझे वो दिन याद है, मां सोई होती थी, हम पांच भाई चार बहनें, सिर्फ ये फिक्र होती है कि अम्मा सोई है, दरख्त के ऊपर कोई कौवा ना बोले कि मां की नींद खराब ना हो जाए। आज पूरी रात मां बाप चीखते चीखते कहते कहते सो जाते हैं, औलाद सोने को तैयार नहीं। रात के टाइम जब मां बाप मुंतजिर होते हैं, तेरे पीछे कोई तड़प रहा है, जब तक तूने नहीं आना, तेरे घर में तेरी मां को नींद नहीं आनी। तू चाय खाने पे, कावा खाने पे, दोस्ताने में, लूडो के ऊपर, शराब में, कबाब में, मजलसों और महफिलों में अगर चला गया है, दुआ कर रब से अल्लाह तेरा दिल बदल दे, तेरे दिन खराब हो चुके हैं, तेरे आने वाले दिन बुरे हो चुके हैं। आज लोग कहते हैं ना औलादें खराब हैं, मैं आने वाले दिनों में वालिदैन खराब देख रहा हूं। औलादें खराब हों तो गुजारे हो जाते हैं, लेकिन जब मां बाप ही शैतान हो, बिगड़े हुए आवारा हो, और परले दर्जे के भूत बंगले हो, और जिनको एहसास नाम की चीज ही कोई नहीं हो, कल जब ये बच्चे पैदा करेंगे तो पता तब चले। उस वक्त से डरिए, मैं नक्शा देख रहा था, एक बच्चा है, महंगे तरीन स्कूल में फैसलाबाद में पढ़ाया जा रहा है, और इतनी फीस शायद कहीं हो जितना वो बाप दे रहा है। आज खुशी खुशी में बेटे ने पहला नक्शा बनाया है, और ये उस बेटे को नक्शा नवीस देखना चाहता है, टेबल पे बैठा है, नाश्ता लगा है, और बाप खुश होकर चेयर पे खड़ा है पीछे कि बेटा ये बड़ा बाकमाल बनाया है। कहने लगा जी मेरी टीचर ने मुझे बना के दिया है, और मैंने जो इसको तैयार किया है, ये मेरा प्लान है, मुस्तकबिल में मैं ये घर बनाऊंगा। हर चीज दिखाई, अपना लॉन दिखाया, घर बनाए, बेडरूम दिखाए, वहां पे स्विमिंग पूल दिखाया, सारी चीजें दिखाने के बाद कॉर्नर में एक छोटा सा स्टोर भी शो किया।
बाबा ने पूछा ये क्या है? स्टोर है? कहने लगा नहीं बाबा, ये आपका रूम है। कहने लगा बेटा शर्म कर, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी कोठियां, तेरे लिए तीन गाड़ियां तुझे स्कूल छोड़ने जाएं, आगे भी गनमैन पीछे भी गनमैन, दो डाले दरमियान में तेरी गाड़ी, और तेरे इतने खर्चे तेरे नखरे बर्दाश्त करूं, और तूने नक्शे में आने वाले दिनों में जो मेरा घर बनाया, तुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि बाप का घर कमरा कोई आलीशान बनाता? कहने लगा बाबा सारा नक्शा मैंने टीचर से सीखा है, हर चीज जो जो उसने बनाई, लेकिन ये जो स्टोर वाला नक्शा है ये मैंने आपसे सीखा है। कहा बेटा मेरे से क्यों? कहने लगा पता है आपके घर में दादा अबू कहां रहते हैं? वो स्टोर में ही है ना, उनकी चारपाई टूटी हुई। आपको कभी एहसास हुआ? वालिद चीख उठा, उस वक्त से डरिए जब औलाद जो है उसी जगह पे लाके मारेगी। अल्लाह अकबर, वालिद का अपना बयान है, कहता है मैं जिंदा, जमीन मुझे जगह नहीं दे रही थी, मेरा दिल करता था कि जमीन मुंह खोले और मैं गड़ जाऊं, मैं अपने बेटे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, क्योंकि मैंने जहां बाप को रखा हुआ था वहीं पे मेरे बेटे ने मेरी तैयारी कर रखा था। कीजिए जो करना है, सिर्फ 10 दिन की गेम है, ज्यादा नहीं, यूं जवानी जानी है यूं। आज जो मस्तानी है ना, इसको अभी से तब्दील करो, सोच पाकीजा करने की सोचो। मैं मिसाल देता हूं, आज हर नौजवान अपनी जुबान पे गाली, मैं बाहर निकलता हूं, यकीन कीजिए शर्मिंदगी होती है कि मैं आलिम बन गया, मुझे भी गाली देने वाला आवारा किस्म का नौजवान होना चाहिए था, ताकि मैं बुढ़ापे में उन गालियों को फेस कर सकूं जो आज मेरा शागिर्द मेरे ही इदारे में, इंस्टीट्यूट में, आज मेरे बच्चों से छोटा मेरे ही सामने। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए, शर्म के मारे किसी नौजवान से हम बात नहीं करते, पता नहीं इन्हें क्यों कोई बोलना है, गलती भी उसकी, रंग भी वो आ रहा होता है, और बुजुर्ग उसके बाप से भी बड़ा, दादे से भी बड़ा। आज मैंने ये जुमले सुने, बुढ़िया सूरा परे हो के मारा, ये जवानी है तेरी, ये तरबियत है तेरी, तरबियत से तो बंदर का भी रेट बढ़ जाता है, तो इंसान हो के बद तहजीब हो के बद तरबियत हो के उस बुजुर्ग के आंसू उस वक्त देखने वाले थे, खड़े होके मैंने कंधे पे थपकी दी, सहारा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, कहता पुत ए कित जंगल चुंदे कोई टुकड़े टुकड़े करके कोई जानवर जेड़ा ना चीर देता तो चंगा सी, इन्हें दिल चीर दिता है, ये तरबियत है मेरी, सोच बदलिए, अपनी सोच में पाकीजगी लाइए। अगर सोच ना बदली तो नबी के उम्मती कहलाने का मजा कोई नहीं, कलमे पढ़ने का मजा कोई नहीं। मेरे नबी जब इस दुनिया में आए थे, मैं हैरान हो जाता हूं कि उस वक्त ये उंगली गाली देने के लिए इस्तेमाल होती थी, सब बाबा इसका नाम था, गाली देने वाली, सब करने वाली, शितम करने वाली, तू तुकार करने वाली, तेरा बाप ऐसे, तेरी माँ ऐसे, तेरा चचा ऐसे, तेरा खानदान ऐसा। मेरे नबी ने जब ये मंजर देखा ना तो फौरी सोच बदल दी, तरबियत बदल दी, इलम बदल दिया, अमल बदल दिया, कहा लोगों इसका नाम सब बाबा नहीं है, सब बाहा है, सब बाहा तस्बीह बयान करने वाली, और फिर इसे इतना पक्का कर दिया, कहा कि जो भी तस्बीह करनी है दाएं हाथ से करनी है, बाएं से नहीं, तस्बीह अच्छा काम है, हमेशा दाएं से किया करो, सुभान अल्लाह भी यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह का आगाज भी यहीं से, अल्लाह अकबर का आगाज भी यहीं से, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह करनी है यहीं से, किसी भी तस्बीह को करना है सब्बाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे पैगंबर ने निशान बना दिया कि जब तशहुद में बैठो तो ये उंगली सबाहत वाली, सबाहा वाली, तस्बीह वाली, तहलील वाली, तहमीद वाली, तमजीद वाली, कैसा बदल के रख दिया, आज पूरी दुनिया में ये उंगली निशान बन गई शहादत वाली। लेकिन यूरोप से तालीम आने वाली, मगरब की तरबियत आने वाली, ऑक्सफोर्ड का निसाब आने वाला, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने इंग्लिश मीडियम, मेरे बच्चों की महंगी तरीन फीसें, ये मेरी मस्जिद और मदरसे की तहजीब आज भी सबाहा है, आज भी हम यही सिखाते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पीएचडी करवा गई लेकिन बच्चों को तालीम तो दी, तरबियत ना कर सकी। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इलम से अबू जहल की जहालत नहीं जाती,
इस बद तहजीब को पता ही नहीं जिसे एफ आर फिंगर में ये मिडल फिंगर जो परले दर्जे के घटिया और जानी, और मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता मस्जिद में, मैं बोल नहीं सकता, जिन लोगों की ये अलामत थी, जब तेरे मेरे बच्चों को ये उंगली बतौर अलामत एफ आर फिंगर पढ़ाई जाएगी, फिर ज़ैनबे कहां से बचेंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहां से बचेंगे, मेरा जो है वो आज अगर बेटा या बेटी है, फिर क्यों रोते हो कि ट्रांसजेंडर जो है वो बन रहा है, जब सोचें उन्होंने बदल दी हैं, फिक्रें बदल दी हैं, नजरें बदल दी हैं, दिमाग बदल दिए हैं, तो फिर जिस्म तो बदलेगा। अल्लाह के लिए मसलकों की जंग लड़ लड़ मर गए, तौहीद के साथ दिमाग को साफ रखो, शिरक की गंदगी से पाकीजा करो, सीने में मेरे नबी का प्यार है, एतबार भी पैदा करो। मोहम्मद रसूल सल्लम से उनकी उम्मत प्यार तो बड़ा कर रही है, लेकिन किसी हदीस का एतबार नहीं करती, किसी बात का एतबार नहीं करती, बात किसी और से, नाम नबी का, गुलाम सभी का, हथकार वाले दिल यार वाले, ये आलम हो चुका है कि दिल किसे होर ते ते बिल किसे होर ते, ये वखियां किसे होर नाल ते अखियां किसे होर नाल, अगर नबी से सच्चा प्यार था, एतबार किया होता, अल्लाह की कसम तेरी मेरी नजरें झुकी होती, झुकी नजरों में भी कयामत का असर होता है, हुसन और निखर जाता है शर्म आने से, तेरे मेरे कानों में गाने ना होते, म्यूजिक ना होते, पैगंबर की बात का एतबार होता कि कानों में कल सीसा पिलाया पिघला के डाला जाएगा। थोड़ी सी कोशिश कर, सुबह एक काम कीजिए, पानी लेके ना खोलता हुआ गरम दो दो कतरे कानों में डालिए, बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो अल्लाह के लिए म्यूजिक रोको, तेरे नबी तो इनको तोड़ने आया था, और आप जुड़ी ही नहीं से गए, दुख सुख में, तकलीफ में, खुशी के मौके पे म्यूजिक के बगैर बात ही नहीं चलती, ना खुशी पूरी ना गम पूरा, तो फिर तेरे कान दिए तो रहमान ने थे, इनके ऊपर हमला अगर शैतान का है तो सोच बदल, कान में मैल पड़ जाए तो साफ करता है, आंखों में गिद्ध आ जाए तो साफ करता है, होंठों पे पिपड़ियां जम जाए तो साफ करता है, जुबान पे सफेदी आ जाए तो हकीम कहता है कि मैदा खराब है, जुबान साफ करो, हजरात नाक में चूहे पड़ जाए तो साफ करता है, लेकिन इन हवा से खमसा में अगर शैतान की गंदगी है और वो दिमाग में पेशाब करके तुझे पूरी रात सुला के नाका बंद करके तेरे अजा के वापे कब्जा करके तुझे सुबह उठने नहीं देता, तो फिर सोच भी बदल, फिकर भी बदल, नजर भी बदल, तू कैप्चर हो चुका है, तू अगवा हो चुका है, बच्चे अगवा करने के चंद केस आए, पूरा मुल्क चीख उठा, और यहां औरत भी अगवा, बीवी भी अगवा, बहने भी अगवा, घर मेरा, कोठी मेरी, बड़े बड़े ताले मेरे, मेन गेट मेरे, छतों पे लगे हुए जंगले मेरे, चौकीदार मेरे, सिक्योरिटी लगे हुए वो दरवाजे मेरे, लेकिन दुश्मन कहां से आकर के मेरे घर में दाखिल होके, बेटी अपने कंबल में और उसके साथ सोया हुआ बातें कौन कर रहा है, अपनी बॉडी कौन दिखा रहा है, हीरो बन के कौन आ रहा है, बाप बूढ़ा तो विलन है, भाई तो बेचारा बेकार का है, चाचा तो फजूल में जो है वो एक कैदू है, मेरा रांझा कौन है, ये पता करे मेरी बेटी मेरी बहन कि ये आजादी तुझे अगर रब ने दी है, ये आंख दी है, ये कान दिए हैं, ये दिल दिया है, ये धड़कने दी हैं, तो फिर तेरा नबी का प्यार तो है, एतबार कहां है, अगर एतबार होता तो कभी मेरी बेटी आवारा ना होती, मेरी बहन फजूलियात में ना पड़ती, मेरी बीवी शादीशुदा होके किसी दूसरे पे नजरें ना जमाती, मैं शादीशुदा होके किसी बच्चू वाली के ऊपर डोरे ना डालता, मेरे आका ने कहा था मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो किसी की बीवी को उसके शौहर के खिलाफ करता है वो मेरा नहीं है। और पता करो घर घर की कहानी क्या है, कहीं ससुर खिलाफ कर रहा है बीवी को शौहर के खिलाफ, कहीं मां कर रही है, कहीं बहनें कर रही हैं, कहीं नंदे कर रही हैं, कहीं सास कर रही है, कहीं ससुर कर रहा है, कहीं साले कर रहे हैं, कहीं कजन कर रहे हैं, कहीं सगी खाला खिलाफ कर रही है, कहीं हमसाई पट्टियां पढ़ा रही है, कहीं आमिल और आलिम वो शौहर के खिलाफ कर रहे हैं, कहीं ड्रामे और फिल्में जितनी सीरियल चल रही हैं, मियां बीवी को एक दूसरे के खिलाफ करके लड़ा के घर से निकाल के, और आखिरी बात कर रहा हूं, पता तो करें जरा, जिस औरत को घर में बर्तन मांजने पड़ जाए,
जिस औरत को घर में चार कपड़े धोने पड़ जाएं अपने शौहर के और बच्चों के, सास के और ससुर के, और वो डर जाए, घबरा जाए, हैंड्स अप हो जाए, नहीं करना मुझे, नहीं चल सकती मैं ये, पीरों फकीरों के पास तावीजों के चक्कर में, कहीं जादुओं के चक्कर में, फिर आहिस्ता आहिस्ता भागते हुए किसी ऐसी जगह की तलाश में कि मुझसे नहीं होते ये काम, फिर जाती कहां है जरा पता कीजिए, दारुल अमान में कहां जाएंगी, कोई मदरसा ढूंढेगी, उत्थे भांडे मांझ लवांगी, फिर जितने बर्तन मांझते मैंने इसको देखा है, जितने मर्दों के साथ जलील और रुस्वा होते मैंने इसको देखा है, और जितने दर दर की खाक छानते रब वास्ते मैनु काम ते रख लो, जो अपने घर में काम नहीं कर सकी, जो भाई के लिए पानी नहीं भर सकी, मैंने फिर बस होस्टस दे बन के जगह जगह जलील होते देखा, मैंने फिजाओं में जलील होते देखा है, मैंने घर में दर दर पे दस्तक देके, मैंने फैक्ट्रियों में उन्हीं लोगों को रुस्वा होते देखा है जिनका घर वालों के लिए रिश्तों के लिए एहसास मिट गया था, फिर चीखते हैं फिर रोते हैं, मगर फिर उस वक्त के आंसू काब नहीं आते, किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, एहसास पैदा कर मां का एक आंसू निकले पूरे बच्चे तड़प जाए, एहसास पैदा कर बाप की आंख नम हो पूरा घर मुस्तरिब हो जाए, बड़ा भाई परेशान हो छोटे सारे दिल गरिफ्ता हो जाए, छोटे भाई को तकलीफ हो बड़े पैरा दे दें, ये था मेरा माजी, ये था मेरा घर, ये थे मेरे लोग, ये थे मेरे महबूब, कि किसी गैर को भी तकलीफ होती वो फरात के किनारे कुत्ते की भी परेशानी उमर इब्ने खत्ताब को थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज मेरे मुल्क में मेरे हाकिमों को मेरे लोग मर जाए कट जाए खुदकुशियां कर ले रो रो के मीडिया पे दुहाई दे दे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कौन सुनेगा तेरी जब तूने रब की नहीं सुनी, वल जज़ाउ मिन जिन्स अल-अमल, एहसास पैदा कीजिए, रिश्तों को दोबारा से देखिए, इज्जत को कदर को देखिए, वमा कदरुल्लाह हक कदर ही, जो रब को उसूलों को तोड़ के बेकदर कर सकता है तेरा रब फिर उसे दर दर की खाक छिनवा के एक एक जगह रुस्वा करके कहीं तवायफ बना के कहीं लौंडी बना के कहीं आवारा जो है और फजूल याद के नामों के साथ वो गुलूकारा बन के महपारा बन के कभी स्टेज ड्रामों पे जाके एक एक के जो है फिर वो दिल लुभाती फिरती है, आखिर किसी की बहन तो है ना, कोई तो भाई है, कोई तो बाप है, शुक्र करो अल्लाह का कि अल्लाह ने आपकी रोटी रोजी आपकी शर्मगाह से नहीं जोड़ी, रब ने ये नस्ल के लिए दी है, ये असल के लिए दी है, हसबो नसब के लिए दी है, ये इज्जत तेरे मेरे घर की है, ये चादर चार दीवारी की है, अगर इसे नंगा करके फखर महसूस करता है तो कल रेड़ी पे केले लेके जरा छील के नंगे करके बेच के तो देख, मैं देखता हूं कितने बिकते हैं, इज्जतों को नंगा करके बाजारों में ले जाके दफ्तरों में ले जाके मुख्तलिफ जगहों पे ले जाके सर से लेके पांव तलक नंगा करके अगर नौजवान फखर महसूस कर रहा है तो फिर तुझे वो पर्दादार हूरों का शायद एहसास नहीं है, कदर नहीं है, तूने कुरान नहीं पढ़ा, सूरह रहमान नहीं पढ़ी, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने बात इशारों में की है, मैं खुल के सारी नहीं कर सकता था, मेरा भाई मेरा बेटा मेरा बाप मेरी बहनें मेरी बेटियां मेरी माएं आप और मैं सब एक दूसरे की इज्जतें हैं, हर घर की कहानी एक है, परेशानी हर जगह एक जैसी है, मर्द हो तो भी रुको अपनी नजर में हया पैदा करें ताकि तेरी मेरी बहन जब जा रही हो वो रिक्शे पे हो वो पैदल हो वो किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में हो ताकि उसकी भी इज्जत रह सके और उसका जिस्म भी तेरी मेरी जहरीली निगाहों से महफूज रह सके, इंशाल्लाह अगर हमने सब ने बच्चों ने मिलके बड़ों ने मिलके जवानों ने मिलके मर्दों औरतों ने मिलके आज की इस कॉन्फ्रेंस में पैगाम मुस्तफ़ा पैगाम कुरान पैगाम इलाही और पैगाम वही पे थोड़ी सी तवज्जो दे ली तो तेरी मेरी ये तब्दीली इंशाल्लाह तेरी मेरी नस्ल को पाकीज़ा कर देगी, हसब नसब को पाकीजा कर देगी, तेरे मेरे बदन और वजूद को पाकीजा कर देगी, मैं 8 अरब दुनिया तो नहीं बदल सकता लेकिन कम से कम मैं अपनी बॉडी और वजूद को तो बदल सकता हूं, अपना ठेका लीजिए अपने पे तवज्जो दीजिए अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरे को बुरा कहने के बजाय उसकी माँ उसकी बहन उसकी बेटी उसकी बहू फुला ऐसे फुला घर ऐसे अपने पे तवज्जो देना शुरू करें, खुद को अच्छा बनाइए, इंशाल्लाह बाकी दुनिया भी मेरा रब अच्छा कर देगा, अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
نمستے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ تیرے گھر میں تیرے بندے سفید بالوں والے نوجوان بچے مرد عورتیں اللہ اکٹھے ہیں. اللہ رات پہر تیرے در میں اللہ تیری دربار میں ہاتھوں کا کشکول بنا کے مانگت اور سائل بن کے اللہ فقیروں کی طرح نظریں جھکا کے تیرے در پہ کچھ مانگ رہے ہیں. اللہ تو غنی ہے, اللہ ہم محتاج ہیں. اللہ تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں, ہماری جائز ضرورتیں اور خواہشیں اللہ پوری فرما دے. اللہ جو بیمار لوگ ہیں شفائیں دے دے. اللہ جتنے بھی دکھی ہیں دکھ دور فرما دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے. اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ جہاں نفرتیں پیدا ہو گئیں اللہ محبتوں میں تبدیل کر دے. اللہ جہاں بے حسی کا مظاہرہ ہے میرے مالک احساس کی حسیں جگہ دے. اللہ جہاں تجھ سے دور ہیں اپنے قریب کر دے. اللہ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ ہمیں راہ راست پہ لے آ. اللہ ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ. اللہ میرا وطن اس وقت بڑا پریشانی کے عالم سے گزر رہا ہے. اللہ ہمارے اعمال درست فرما دے تاکہ ہمارے اعمال اور حکمران صحیح ہو سکیں. اللہ ہمارے رویوں کے اندر بہتری پیدا فرما دے. اللہ ہمارے جتنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ اس مسجد کے بانی مبانی جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا اللہ ہمارے بزرگ عبدالرشید صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرما. اللہ ہمارے جملہ لواحقین جن کے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو اپنے بڑوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اللہ جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تیرے سامنے تیرے در پہ اللہ تیرے بندے اکٹھے ہو کے تجھ سے تیری رضا مانگتے ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم گناہگار ہیں, چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ کبیرہ سارے معاف فرما دے. اللہ آج کی مجلس کو جس مقصد کے لیے جن احباب نے سجایا ہے اللہ وہ مقصد بھی پورے فرما. اللہ انتظام و انصرام کرنے والے جملہ احباب اور شرکت فرمانے والوں کے گھروں میں اللہ مال آل اولاد میں اللہ ان کے جسم و جان میں ان کے بدنوں میں اللہ اپنی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں, اللہ قبر نشر حشر کی آسانیاں مانگتے ہیں, اللہ جہنم سے پناہ اور جنت کا سوال کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.